पूछूंगी आपको कि मीडिया में कोलैबोरेशन का क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन का क्या होता है। आज मैं बच्चों को एक सिंपल सा मॉरल लेसन दूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि समय, टाइम कितना ज़रूरी है और क्यों इसको हम अमूल्य कहते हैं। आप कहते हो ना, दो दिन में स्कूल आए तो कोई बात नहीं, क्या हुआ? एक घंटा वेस्ट हो गया तो क्या हुआ? एक मिनट का क्या फर्क पड़ता है? अगर बेल बजी हम उधर हैं तो हम एक मिनट लेट हो गए तो क्या हुआ? स्कूल बच्चे अगर पाँच मिनट लेट आए तो क्या हुआ? ये छोटी सी मेरी एक, आप कह सकते हो कि सेल्फ क्रिएटेड ही है, जिसमें आप देखोगे कि एक साल का क्या वैल्यू है और एक सेकेंड की क्या वैल्यू है। ठीक है, मैं आपको हिंदी वर्जन में सुनाऊंगी, सबको समझ आ जाएगी। कहते हैं कि एक साल का मूल्य उस विद्यार्थी से पूछो जो परीक्षा में फेल होता है। जो बच्चा फेल होता है ना, उसके लिए साल बहुत लंबा होता है। वो कहता है कब दोबारा एग्जाम हूँ, पास हूँ और मैं स्कूल जाऊँ, होता है ना। तो ऐसे तो हमारे ये सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट से पूछो जो साल जो फेल हो जाता है। फिर आता है एक महीने का मूल्य। कहते हैं एक महीने का मूल्य उस औरत से पूछो जो विकसित होने से पहले बच्चे को जन्म देती है। अगर बच्चे को विकसित होने में 9 मंथ्स लगते हैं, अगर किसी बच्चे का बर्थ 8th मंथ में हो जाता है तो वो पूरी उम्र के लिए वीक रहेगा या एबनॉर्मल रहेगा, कोई ना कोई उसमें डिफेक्ट आ जाता है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इसलिए कहते हैं कि एक महीना हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब एक बच्चा एक महीने पहले बर्थ हो जाता है तो फिर पता चलता है कि उस एक महीने की वैल्यू क्या है। फिर कहते हैं एक हफ्ते का मूल्य। एक हफ्ते का मूल्य उस संपादक से पूछो, संपादक होता है एडिटर, जो हफ्ते में एक अखबार पब्लिश करता है, प्रकाशित करता है। वो पूरा हफ्ता न्यूज़ कलेक्ट करता है और सैटरडे या संडे को पब्लिश करता है। अगर कहीं बाय चांस उससे सैटरडे संडे को पब्लिश नहीं हुई तो उसको पता चलता है कि एक हफ्ता मेरा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। फिर कहते हैं एक दिन का मूल्य। उस मजदूर से पूछो जो एक दिन बेकार बैठता है।